जो बेताब की शूटिंग हुई थी वो किधर हुई थी? वो यहाँ पे आगे की तरफ, तो वहाँ पे सेट लगाया था उनका। यहाँ पे सनी देओल का स्विमिंग पूल था ये। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों अभी मैं हूँ फिलहाल कश्मीर में, और कश्मीर के मैं हूँ अभी पहलगांव में। पीछे अगर आप मेरे देख रहे होंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहलगांव। तो काफ़ी खूबसूरत ये हिल स्टेशन है, और यहाँ पे घूमने के लिए आपको एक दिन काफ़ी नहीं है। कल मैं गया था आरू वैली, और भी मैंने जो जगह थी वो देखी थी, और आज की इस वीडियो के अंदर मैं जाऊँगा बेताब वैली, जहाँ पे बेताब मूवी की शूटिंग हुई थी, और उस मूवी की शूटिंग के बाद ही उस वैली का नाम बेताब वैली पड़ा है। तो काफ़ी खूबसूरत जगह है, वहाँ पर पहले चलेंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ पहलगांव, और पीछे यहाँ एक रिवर बह रही है, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से, ये देखो। तो सबसे पहले हम यहाँ से, जो टैक्सी स्टैंड है यहाँ का, थोड़ी सी दूरी पे है। जब आप अनंतनाग से और पहलगांव आते हैं ना, तो रास्ते में ये पहलगांव लिखा हुआ पड़ता है, और यहीं से श्री अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होती है। वो पीछे यहाँ पे बेस कैंप है। तो आगे चलते हैं, जहाँ पे टैक्सी स्टैंड है वहाँ से टैक्सी। मैंने बेताब वैली जाने के लिए यहाँ पे एक टैक्सी बुक कर ली है। तो भाई क्या नाम है आपका? शौकत। शौकत जी हैं, इनके साथ मैं आज बेताब वैली घूमने वाला हूँ। वैसे मैं चंदनवाड़ी भी जाने वाला था, मैंने कहा चंदनवाड़ी और बेताब वैली दोनों घूम लेता हूँ, लेकिन मुझे बताया कि चंदनवाड़ी अभी बंद है। बंद क्यों अभी? वो यात्रा के कारण आज बंद है, वहाँ खाली यात्रा जा सकती है, वो भी सुबह के 5 बजे से लेकर 10 बजे तक। अच्छा, तो जो अमरनाथ यात्रा चल रहा है ना, इस वजह से वो बंद है आज, लोकल टूरिस्टों के लिए बंद। बिल्कुल बिल्कुल, टूरिस्ट के लिए वो बंद है। और अगर आप यहाँ पे घूमना चाहते हैं पहलगांव, तो जो टैक्सी स्टैंड है उसी पे आप लोगों को रेट लिस्ट का एक चार्ट मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ से अलग अलग गाड़ी का अलग अलग रेट है, अलग अलग रेट है, एक ही बार फिक्स की हुई है रेट। हाँ, तो ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कि आपको कम ज्यादा करने की जरूरत नहीं, कि किसी ने ज्यादा ले लिया किसी ने कम ले लिया, डिसाइड करके आपकी यूनियन होगी ना। बिल्कुल, एक यूनियन खड़ी की है हमने, इसलिए कि यहाँ पे कोई ज्यादा देर हो कस्टमर को नहीं रुकना पड़ता है, खाली बोर्ड देखिए। और उसमें आपको टाइम भी दिया जाता है, जैसे आपको, जैसे मेरे को बेताब वैली जाना है, तो 1 घंटे का समय मेरे को मिला हुआ है, कि 1 घंटे आप उधर रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टूरिस्ट यहाँ पे किस किस महीने में आते हैं? पूरे साल आते हैं, हालांकि जब यहाँ बर्फ पड़ता है तो तब कम आ जाते हैं। अच्छा, तब कम हो जाता है? बिल्कुल, थोड़ा से कम हो जाते हैं, क्योंकि आने जाने का जो रोड है वो ज्यादातर बंद ही रहता है। तो उस टाइम पे आप क्या करते हैं सर? उस टाइम पे हम लोग यहाँ से बाहर जाते हैं वो शॉल सूट बेचने के लिए। अच्छा, जो कश्मीरी शॉल वगैरह होता है वो बेचने के लिए हम बाहर जाते हैं। कोई आगरा जाता है, कोई MP UP जाता है, अलग अलग। आप MP मिला हुआ है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों फाइनली मैं अभी बेताब वैली पहुंच गया हूं, और यहां पे एक गेट बना हुआ है जिसके अंदर पूरी बेताब वैली है, जहां पे बेताब फिल्म की शूटिंग हुई थी। और भी यहां पे घूमने के लिए 8 पॉइंट हैं, देखिए ये वाले जो घोड़े से घुमाए जाते हैं, ये तो ये वाले जो पॉइंट हैं, इनको घूमने के लिए आप यहाँ पर बार्गेनिंग वगैरह कर सकते हैं। 2000 से 1500 के बीच में ये लोग मांगते हैं, 1200-1000 तक आप लोगों को घुमा देंगे। ये घुमाने का जो समय है 1 घंटे का है, और 1 घंटे ही हमें, मतलब जो गाड़ी का समय दिया गया है वो भी 1 घंटे का है। तो 1 घंटे में हम ये भी घूमेंगे और बेताब वैली भी देखेंगे, क्योंकि बेताब वैली जो है वो तो सिर्फ आप 5 मिनट में घूम सकते हैं, 5 से 10 मिनट में। उसके बाद ये पॉइंट पर जाने के लिए काफ़ी दूर तक जाना। चलिए चलते हैं यहाँ से। टिकट जो है वो 100 रुपये का है, अगर आप लोगों को सिर्फ बेताब वैली घूमनी है तो एक बंदे का जो टिकट है वो 100 रुपये का है, और अगर आप ऐसे घोड़े से जाते हैं तो टिकट भी उसमें इंक्लूड हो जाता है। अभी मैं बेताब वैली के अंदर पहुंच चुका हूं, और सामने के नज़ारे काफ़ी खूबसूरत है। ये जो है ये कौन सा दरिया है? लेदर। लेदर जी सर, जो पहलगांव की तरफ जा रहा है। जी जी, विशेषनाथ से आता है। ये शेषनाथ से आता है, अमरनाथ से जी। और जो बेताब की शूटिंग हुई थी वो किधर हुई थी? वो यहाँ पे आगे की तरफ। जी जी, तो वहाँ पे सेट लगाया था उनका। यहाँ पे सनी देओल का स्विमिंग पूल था, ये एरिया पे, जहाँ पे वो स्लीपर में नहाने के लिए जाते हैं। किधर? ये सामने, ये इसी में, मतलब इसी में बनाए थे। जो घोड़ा दौड़ाते वो आगे है, घोड़े वाला आगे आगे आगे। तो आप हमको कितने साइड सीन कराएंगे? हम आपको 6 पॉइंट घुमाएंगे। 6 या 8? 6, 8 बोला, 8 बोला भाई। 8 पॉइंट ये घुमाएंगे हमको। आपका नाम क्या है? बशीर अहमद भाई। बशीर अहमद भाई साहब हैं, इनके साथ हम लोग घूमने वाले हैं। ये है कुछ बेताब वैली का नज़ारा, यहीं पे पूरा सेट लगा के, जो बेताब मूवी है उसकी शूटिंग हुई थी यहीं पे, मतलब एक सेट लगाया था। सनी देओल का जो घर था वो भी इसी ग्राउंड के अंदर बनाया था, और पूरी मूवी की शूटिंग यहीं पे हुई है।
ठीक है साहब, जो मेरी माँ कहेगी मैं तो वही करूँगा। गाड़ी छूटती है तो छूट जाए, ज्यादा से ज्यादा बेकार बैठा रहूंगा। ये दिन भी देख। अभी मैं घोड़े के ऊपर बैठ चुका हूँ। सबसे पहले जो बंदा मिला था उसने दूसरे बंदे के पास छोड़ा और दूसरे ने तीसरे के पास। भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम आमिर है। आमिर? आमिर, अच्छा आमिर नाम है भाई का। तो ये मुझे घुमाने के लिए ले जा। अगर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे घोड़े को बुक करना चाहें तो आपके पास आगे? हाँ कोई बात नहीं, वैसे कर सकते हैं। क्योंकि ये लोग बीच में भी तो लेते होंगे ना कुछ पैसे? नहीं लेते हमारे साथ बात करने। ये जो ट्री है पाइन ट्री है? यस पाइन ट्री तो बोलते हैं। ये जो नीचे का पॉइंट है इस साइड में, यहीं पे बेताब फिल्म की शूटिंग हुई थी और पूरा सेट इसी के अंदर लगाया गया था, जिसमें पूरी फिल्म की शूटिंग यहीं पे हुई थी। अच्छा एक बात बताइए, ये अभी बेताब वैली है और जब यहाँ फिल्म शूट नहीं होती उससे पहले इसको क्या बोलते थे? हगन वैली। हगन वैली? यस। इससे पहले इसको हगन वैली बोलते थे, लेकिन जब से यहाँ पे बेताब की शूटिंग हुई उसके बाद इसको बेताब वैली के नाम से जानने लगे। सनी देओल की फर्स्ट मूवी थी और काफ़ी फेमस मूवी हुई थी, तो उसी को देखने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं बेताब वैली को, क्योंकि बेताब फिल्म की शूटिंग हुई थी और इसीलिए इसका नाम बेताब वैली पड़ा है। अभी जिस पॉइंट पे मैं हूँ ये भाई बता रहे हैं कि ये है नाग वैली और यहाँ पे एक छोटा सा, देखो ये जो है ये पानी जो निकल रहा है आगे की तरफ जा रहा है, देखो यहाँ से ऊपर से आ रहा है ना पानी कहीं से? नहीं यहीं से निकलता है। ये यहीं से निकल रहा है? नहीं तो अंडरग्राउंड कहीं ऊपर से आ रहा होगा ना ग्लेशियर से? नहीं नहीं यहीं से निकलता है, जमीन से निकलता है यहाँ से और आगे की तरफ देखो उधर जा रहा है। तो बता रहे हैं कि ये जो पानी है ये प्राकृतिक तरीके से पहले ठंडा होता है फिर गर्म होता है, मतलब अभी ये ठंडा है पानी और जब बर्फ पड़ेगी ना तो ये पानी फिर गर्म हो जाएगा, यानी गर्म पानी यहाँ से निकलने लगेगा। ये कितना लंबा, मतलब हम लोग जाने वाले कै किलोमीटर का है? 2 किलोमीटर का यहाँ सब टोटल। ये जो ट्रैक है जिस पे मैं घूम रहा हूँ ये 2 से 3 किलोमीटर का है, तो अगर आप लोग चाहें तो इसको पैदल भी घूम सकते हैं, लगभग 1 घंटे से ज़्यादा 1.5 घंटे में 2 घंटे में आराम से आप लोग घूम सकते हैं, मतलब टहलते हुए और नज़ारों को इन्जॉय करते हुए आराम से घूमेंगे। लेकिन मेरे पास क्या है कि अभी टाइम की कमी है, क्योंकि मैंने जो टैक्सी की है वो 1 घंटे के लिए है और 1 घंटे में मुझे ये घूम के उसके बाद रिटर्न भी जाना है, इसलिए मैंने ये घोड़ा जो है वो हायर किया है। वैसे यहाँ पे पैदल घूमने का जो मज़ा है ना वो अपने आप में ही अलग है यार। इन वादियों में देखिए आप अगर यहाँ पे पैदल घूमेंगे तो उसका अलग ही अनुभव है। इसका नाम है लवर्स पॉइंट। लवर्स पॉइंट जब शूटिंग हुआ था ना पर्वतों से हम टकरा गए, तुमने दी आवाज़ हम आगे उसी लोकेशन में ये लोकेशन इस जगह पर गाने की शूटिंग हुई है। गाने की शूटिंग इस जगह को बोलते हैं लवर्स पॉइंट। लवर्स पॉइंट इस जगह को, काफ़ी खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है। इधर अगर आप देखेंगे तो ये पाइन ट्रीज हैं। यहाँ से देखिए अभी मैं जिस पॉइंट पे पहुँचा हूँ ये है व्यू पॉइंट और यहाँ से पूरी बेताब वैली का व्यू दिख रहा है, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से। ये देखिए यहाँ से ये रिवर जा रही है और वहाँ पे वो जो है उस ग्राउंड के अंदर बेताब मूवी की शूटिंग हुई थी, यही है पूरी बेताब वैली जिससे आपको पूरा नज़ारा यहाँ से दिख रहा है, काफ़ी खूबसूरत यहाँ से नज़ारा है। देखिए बेताब में जो शूटिंग हुई थी वो सेट उधर लगाया था, सनी देओल का जो घर था वो उस ग्राउंड के अंदर था और ऊपर ये जो है इधर एक गाने की शूटिंग हुई थी और जब हम जवा होंगे जो वाला गाना था ना वो भी इधर ही शूट हुआ था। भाई मेरे साथ हैं जो घुमा रहे थे, ये जो गांव है इस गांव का क्या नाम है? क्रिस्टन। इससे ऊपर चंदनवाड़ी है। चंदनवाड़ी? हाँ चंदनवाड़ी से ऊपर है शीशनाग, शीशनाग गुफा है। हाँ फिर जो मतलब आप लोग अमरनाथ की जो यात्रा करते हैं वो इसी रास्ते से लोग जाते हैं। जो रोड है ना वो रोड जा रही है ऊपर चंदनवाड़ी, इससे आगे 9 किलोमीटर चंदनवाड़ी है।
उससे आगे 10 किलोमीटर शीशनाग, शीशनाग से 20 किलोमीटर ऊपर गुफा है, ऊपर गुफा है। हाँ यस। तो यहाँ से अगर अमरनाथ की यात्रा करते हैं तो लगभग 3 दिन की यात्रा, 3 दिन की यात्रा है यहाँ से। अभी हम इस रिवर को भी क्रॉस करेंगे ना, आगे इस रिवर को भी हम लोग क्रॉस करने वाले हैं। और भाई बता रहा था यहाँ पे बजरंगी भाईजान फिल्म की शूटिंग हुई है। हाँ यस, यहाँ बनाई है। यहाँ क्या शूटिंग हुई थी? सलमान खान की, वो जहाँ तार लगी हुई है बॉर्डर वाला सीन, वो भी बनाया। वो तो सोनमार्ग में हुआ था ना, वो इधर भी एक शॉट बनाया था उसने, एक शॉट बनाया था, शॉट बनाया था। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ एक शॉट लिया गया था। वादवा की जो लास्ट वाला सीन है ना, इंडिया पाकिस्तान का जहाँ बॉर्डर बनाया गया था, वो पूरी फ्रेंसिंग उन लोगों ने सोनमार्ग में वहाँ पे की थी। वहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ होती है ना, यहाँ पे उन्होंने एक सीन लिया था, सिर्फ एक सीन लिया था, छोटा सा, यहाँ सिर्फ एक सीन लिया था। वादवा की शूटिंग पूरी उधर ही हुई है। तो यहाँ से जो नजारा है ना, एक नंबर, काफी खूबसूरत यहाँ से नजारा है। आपको बढ़िया लगा? बहुत मस्त है। पूरे पैसे वसूल हैं भाई। अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप लोग वहाँ से घोड़े को करके और ऊपर तक यहाँ पे आइए, क्योंकि अगर आप बेताब वैली देखने के लिए आते हैं तो शायद वहाँ से आप लोग क्या देख पाएंगे, वो सिर्फ नीचे से आपको सिर्फ पार्क दिखेगा, ऊपर से आने के बाद जो नज़ारे हैं ना वो एक नंबर होते हैं। ये देखो, ये नज़ारे आप लोगों को नीचे से देखने को नहीं मिलेंगे, जो यहाँ से देखने को मिलते हैं। अभी हम जिस पॉइंट पे पहुंचे हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वाटरफॉल की तरह बन रहा है। ये जो नदी है, ये पीछे अमरनाथ से जो ग्लेशियर पिघल रहा है, वही ये नदी बन के जा रही है। तो काफ़ी फिलों में यहाँ पे जो पानी है वो आ रहा है और यहाँ पे एक वाटरफॉल की तरह बन रहा है, तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। और इस तरह से ये उस साइड में बेताब वैली की तरफ जाता है। तो ये भी यहाँ पे एक पॉइंट है इनका, जिसको ये लोग वाटरफॉल बोलते हैं। नज़ारा जो है काफ़ी खूबसूरत है। ये देखो, पानी बिल्कुल दूध की तरह है। घोड़े वाले ने मुझे यहाँ पे छोड़ दिया, ये लास्ट पॉइंट होता है घोड़े वालों का। और ये है पूरी बेताब वैली का नीचे का व्यू, जहाँ पे फिल्म की शूटिंग हुई थी, इसी जगह पे, यहीं पे सेट लगा था बेताब का, जिसके अंदर फिल्म की शूटिंग हुई थी। और अभी मेरे को घूमते हुए 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है, तो जो गाड़ी वाला है वो भी फ़ोन कर रहा था। अगर मेरे हिसाब से आप यहाँ पे आना चाहते हैं ना बेताब वैली, तो वहाँ से टैक्सी करिए सिर्फ यहाँ ड्रॉप करने के लिए, और फिर आराम से घूमिए, फिर यहाँ से आप लोग उधर जा सकते हैं टैक्सी करके ही। उसमें शायद थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा पड़ सकता है, लेकिन आप यहाँ पे पूरी तरह से इन्जॉय कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम चाहिए आपको घूमने के लिए। अभी बेताब वैली घूम के मैं आ गया हूँ, और लगभग 1 घंटा 20 मिनट से ज़्यादा हो गया, 1 घंटा 20 मिनट हो गया मेरे को, 1 घंटा भाई ने बोला था घूमने के लिए। यहाँ पे घूमने के लिए वैसे मेरे हिसाब से पूरा दिन भी कम, पूरा एक एक स्पॉट पे एक एक दिन लगता है। अच्छा, ऐसा भी होता है जैसे उधर से हम कैब से आए, यहाँ पे ड्रॉप कर दे हमें, फिर उसके बाद शाम को हमें जाना? नहीं नहीं, नहीं, अपनी कैब से नहीं आप आ सकते यहाँ। अच्छा, नहीं, अपनी से नहीं, जैसे आपकी कैब से मैं उधर से आया, आपने मुझे इधर ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप कर दिया, उसके बाद मेरे को शाम को जाना? बिल्कुल, शाम को आ जाओ, अगर गाड़ी को उसी वक्त छोड़ो फिर। अच्छा ठीक है, फिर आप इधर से करके आना, फिर आपको पता ही नहीं चलेगा, आप 20 मिनट में पहुंच जाओगे घूमते घूमते। लगभग वैसे तो 5 किलोमीटर है ये, 5 किलोमीटर कितना बेलगांव से, ज्यादा टाइम ना शाम को। और मान के चलो अगर हमको गाड़ी फिर से बुलानी है तो डबल चार्ज देना होगा, डबल चार्ज देना होगा। इधर से नहीं मिलेगी गाड़ी? नहीं, इधर से नहीं मिलेगी। मैं वापस से पहलगांव में आ गया हूँ, और बेताब वैली गया था मैं, तो बेताब वैली से आया हूँ। यहीं पे टैक्सी स्टैंड है जहाँ पे मुझे छोड़ा था। मैं जाने वाला था जब मिनी स्विट्जरलैंड जिसको बोलते हैं वहाँ पे, तो वैसे मुझे पता था कि शायद 1-2 किलोमीटर दूर होगा, तो मैं पैदल चला जाऊंगा। वो यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है, और घोड़े वगैरह वाले अभी जा नहीं रहे, पता नहीं क्यों। ज़्यादातर यहाँ पे जो टूरिस्ट स्पॉट है वो सभी अभी बंद हैं, जैसे कि चंदनवाड़ी है, चंदनवाड़ी जो है वहाँ पे भी लोग नहीं जा रहे हैं। आरू वैली है, उसको भी बंद किया गया है। इस तरह से ये जो यात्रा चल रही है ना अभी श्री अमरनाथ जी की, इस वजह से बादवागी जो टूरिस्ट स्पॉट है उसको बंद किया गया, और टूरिस्ट भी यहाँ पे अभी कम है, ज़्यादातर यात्रा वाले लोग हैं जो अमरनाथ के लिए जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को दिखाई बेताब वैली। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।